अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल शाहज़ैब हसन कुजीन। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल वेल। इन दिस वीडियो टुडे वी विल टीच यू हाउ टू मेक गार्लिक करी। गार्लिक करी इज़ वेरी बेनिफिशियल। देन वी ऑल्सो टेल यू द बेनिफिट्स ऑफ गार्लिक, बट बिफोर दैट इफ़ यू आर न्यू टू अवर चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल and be sure to click the bell icon so you get notifications for every new video we come across. So viewers, let's get started. Assalamualaikum viewers, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे। तो आज मैं आपके लिए लहसुन का सालन बनाने जा रही हूँ, पर बनाने से पहले मैं आपको इसके जो फ़ायदे हैं वो बताऊँगी। सबसे पहला फ़ायदा ये कि खून पैदा करता है और इसके इस्तेमाल से चेहरे का रंग निखरता है। ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है ये सालन। दिल के मरीज़ों के लिए ये सालन बहुत फ़ायदेमंद है और जिनके दिल कमज़ोर होते हैं उनके लिए भी ये सालन बहुत अच्छे। आप घर पे ज़रूर बनाया करें। सर दर्द, जोड़ों का दर्द और पुराने बुखार में भी ये सालन बहुत फ़ायदेमंद है। आप कोशिश किया करें कि ये सालन आप हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी बनाया करें ना आप सालन। ये को स्मार्ट होने का शौक़ है और जिनको वज़न कम करने का शौक़ है उनके लिए ये ख़ास रेसिपी है और वो भी ये सालन ज़रूर बनाएं और खाएं, क्योंकि इस सालन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और इसलिए मैं ये सालन बहुत ज़्यादा अपने घर पे बनाती हूँ। आए शुरू करते हैं। एक पाव मैंने लहसुन ले लिया है, इसको मैंने चॉप कर लिया है। बहुत बारीक आपने इसको नहीं करना है, मोटा मोटा इसको आपने पीसना है। एक अदर मैंने टमाटर लिया है, थोड़े से मैंने चावल लिए हैं। चावल इसलिए हम लेते हैं कि इसकी थोड़ी ग्रेवी सी बन जाती है सालन की। थोड़े से मैंने चावल लिए हैं। आधा कप मैंने ऑयल लिया है। थोड़ा सा मैंने दूध लिया है जो हम सालन बन जाएगा और फिर आखिर में डालते हैं। ये मसाला मैंने पीस लिया है। इसमें मैंने एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, आधी चम्मच मैंने हल्दी डाली है, इसमें एक चम्मच मैंने सूखा धनिया डाला है और एक चम्मच मैंने नमक डाला है। तो इसको मैंने पीस लिया है। आए अब हम पकाते हैं। मैंने ऑयल लिया है और ये लहसुन मैं इसमें डाल दूँगी। इसको मैं अब हल्की आंच पे ना कम अज़ कम इसको मैंने 15 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है, जब तक इसकी स्मेल ख़त्म ना हो जाए तब तक मैंने इसकी भुनाई करनी है। बहुत जल्दबाजी नहीं आपने करनी, बिल्कुल हल्की आंच पे आपने बनाना है ये सालन। आप देख रहे हैं कि कम अज़ कम मैंने इसको 10 मिनट तक इसको हल्की आँच में मैंने ब्राउन किया। आप देख रहे हैं इसका कलर चेंज हो चुका है। जब आप देखें कि लहसुन का कलर चेंज हो गया है, ब्राउन हो गया, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन नहीं करना हमने इसको। और ये जो मसाला मैंने पीस के रखा हुआ था ये मसाला मैं इसमें डाल रही हूँ। टमाटर अब ये 5 मिनट तक फिर हमने इसकी भुनाई करनी है, जब तक ये टमाटर बिल्कुल इसमें मैश ना हो जाए तब तक हमने इसकी बुनाई करनी है अच्छी तरह। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि 5 मिनट अब फिर हो चुके हैं इसकी बुनाई करते हुए मुझे। अब इसमें ये जो चावल मैंने भिगो के रखे हुए थे ये डाल दूँगी। ये चावल हम इसलिए डालते हैं कि जब ये इसकी ग्रेवी बनती है तो थोड़ी सी गाढ़ी बनती है, जैसे कड़ी बनती है ऐसे हो जाता है ये सालन, तो इसका टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है इससे। आप देख रहे हैं कि मैंने इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर ली है। अगर आप मेरी तरह ये बुनाई करेंगे आराम से तो आपका सालन बहुत अच्छा बनेगा और स्मेल भी नहीं आएगी। तो अगर आप जल्दी से ये बना लेंगे तो फिर इसमें स्मेल आती है लहसुन की। तो मैं जो बनाती हूँ सालन वो बहुत टेस्टी सालन होता है, उसमें पता ही नहीं लग रहा होता कि हम लहसुन बना रहे हैं। अब ये एक जग पानी का ये मैं इसमें डालने लगी। पानी मैंने डाल दिया है, एक जग मैंने इसमें पानी डाला था। तो अब कम से कम इसको आधा घंटा लगेगा पकने में, तो आधे घंटे के बाद हम फिर मिलते हैं। जी व्यूअर्स, अब हम देखते हैं। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि हमारा सालन कितना अच्छे से तैयार हो चुका है। इसके अंदर जो चावल थे वो बिल्कुल इसमें गल के मैश हो चुके हैं और ये कड़ी की तरह बिल्कुल सालन तैयार हो चुका है। थोड़ा सा हम इसमें ना दूध डालेंगे, दूध से इसका जायका और अच्छा हो जाता है। थोड़ा सा हरा धनिया हम इसमें डालेंगे। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि मेरा सालन तैयार हो चुका है। अब इस सालन को हम डिश आउट करते हैं। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि लहसुन का सालन ये तैयार हो चुका है। तो आप ये घर पे लाजमी सालन बनाएं, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा सालन है। तो जब मैं सालन बना रही थी तो जो मैंने मसाला पीसा था उसमें मैंने एक छोटा सा प्याज भी डाला था, क्योंकि मुझे बताना याद नहीं रहा था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो दुआओं में याद रखें। अगर ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी तो लाइक करें और दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह पाक आपको भी सेहत तंदुरुस्ती दे। अल्लाह हाफिज़।